अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एम एस वर्ड क्लास में पेयर में हाजिर हो गया हूँ और मेरा नाम है तौहीदुल्लाह और मैं आप लोगों को एम एस वर्ड मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज मैं एम एस वर्ड में जो आगे का काम है वो मैं आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से आगे काम करना है इस पर। सबसे पहले मैं इसको जूम कर रहा हूँ, थोड़ा तो टेक्स्ट को भी जूम कर रहा हूँ और मैं कुछ टेक्स्ट इधर इंसर्ट करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फार्मूला प्रैक्टिस के लिए, ये हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एक फार्मूला है मैंने इंसर्ट किया हुआ है और मैंने तकरीबन इधर तक आप लोगों को समझा दिया था टैक्स इधर तक अपर केस एंड लोअर केस आप लोगों को मैंने सब कुछ ही आखिर में बता दिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये कि आपने इसको इस टैक्स का कलर आपने चेंज करने, तो आपने इसको क्या करना है, ये हमारे पास इस टैक्स की कलर हो गया। अभी अभी आप कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने बैकग्राउंड लगाया, ये बैकग्राउंड के लिए यूज़ हो रहा है। अगर आप फुल बैकग्राउंड लगाना चाहते तो आपने फुल कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करना है और इसको क्लिक करना है, तो हमारे पास आल हो गया। इसको क्लिक करें तो हमारे पास इसका कलर हो गया, कंट्रोल ए से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास इसका क्लिक हो रहा। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो ये हो गया, हाईलाइट के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक इधर एक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो लिखा, उस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, टाइलिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन वगैरह सब कुछ मैं इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, ये अप्लाई कर रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे अपनी हालत में आ जाए, जिस तरह की हमारे पास ये वाला टैक्स है ना, ये भी इस तरह अपनी हालत में आ जाए, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और क्लियर आल पे क्लिक करना है, तो हमारे पास क्या हो गया, क्लियर फॉर्मेट है, वही अपने हालत में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सिंबल्स है, इसको हमने सिंबल्स हमारे पास है तो बुलेट, इसको हम बुलेट कहते हैं, बुलेट लाइब्रेरी। तो अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको कट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट हो गया। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर बुलेट लगाना चाहता हूँ तो हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ये आ रहा है, देख लें हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ये आइकन आ जाएगा, तो आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप इसको यूज़ कहाँ से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल काम जब मैं स्टार्ट कर लूँ तो आपको मैं बताऊँगा कि आपने इसको कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो आपने इसको अगर अब मैंने इससे ये हटाना है, ये चीज़ें ये ट्रिक वगैरह ये मैंने जो भी अप्लाई किया है तो मैंने इससे ये हटाना है, तो इसे हटाने के लिए आपने इंधन इस पर क्लिक करें तो हमारे पास इस तरह का वापस अपनी हालत में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, अगर आपने हर पैराग्राफ के स्टार्ट में के नंबर ऐड करना है, इंग्लिश अल्फाबेटिक ऐड करना है, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, तो आपने इसको इस तरह रोमन अदाद ऐड करना चाहते हैं तो आपने इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी वापस लें। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने इसको इस तरीके से लिखना है, क्या ऐड करना है, ये भी हमारे पास क्या है, देख ले बस वही तरीका है, ए बी से लिखना है, क्या लिखना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, इसके बाद मुझे कंट्रोल वी चाहिए, तो कंट्रोल ए से अभी क्लिक करें, अगर आपके पास जितने भी ज़्यादा हो जाए ए बी सी देख ले, ये खुद ब खुद कंटिन्यू में जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इस टेक्स्ट को आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, देख लें इसको आप टेक्स्ट को देख लें, राइट से इसको आपने जस्टिफाई करना चाहते हैं या फुल जस्टिफाई, हमेशा के लिए आपने अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आपने फुल जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे, इसको आपने कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल, राइट, ये हो गया हमारे पास। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसका क्या मतलब, ये हमारे पास स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है, देख ले इसके दरमियान में जो फासला है ये वाला, इसको वो ज़्यादा करें, देख ले अभी फायदा इस फासले को हमने क्या करना है, ज़्यादा करना है, तो इस फासले को ज़्यादा करने के लिए हमने इस ऑप्शन को हमने यूज़ करना, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास है लाइन एंड पर, इसको हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कह रहे हैं देख ले, इसको आप देख लें
आगे तक की तरफ मूव हो रहा है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इधर है कलर, ये इसका बैकग्राउंड कलर है। अगर आपने इसको फ्रंट पे देखना चाहते हैं तो आपने इसको क्विक शॉर्टकट ओपन करें और फिर अभी हमारे पास इसका फ्रंट आ गया है इस तरह का। और फॉर एग्जांपल अगर आपने कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल जेड करें, ये हमारे पास है ना पेज कलर, पेज कलर आगे जब आ जाएगा तो मैं आपको इधर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पेज बॉर्डर हो गया, पेज कलर, अभी आपने इसको जो भी पेज कलर देना है, ये पेज कलर हमारे पास प्रिंटिंग के लिए यूज हो रहे नहीं हो रहा है, ये सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी आप प्रिंट बनाना चाहते हैं तो आप प्रिंट व्यू पे जाके देख ले, तो देख ले हमारे पास सिंपल आ रहा है। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसका कलर लगाना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए से, अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर लगाना है तो आपने इधर से लगाना है, कोई भी कलर आप डिसाइड कर ले। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कलर हो गया, अब प्रीव्यू पे जाए तो ये हमारे पास वही कलर इसने पिक किया हुआ है। और तरीका भी है, मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, क्या हो गया टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। अभी हमारे पास ये है बैकग्राउंड टेक्स्ट जो है हमारे पास, वो इसका कलर आ जाएगा, देख ले। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर, अब बॉर्डर लगाना चाहते हैं, लेफ्ट लगाना चाहते हैं तो देख ले हमारे पास इधर लेफ्ट में, अभी इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, ये लाइन देखे। और पहले कंट्रोल ए से इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस कलर को, नो कलर। अब इस लाइन को आप देख ले, देख ले, कंट्रोल ए करें जाके इसको, अगर आपने लेफ्ट चाहिए, टॉप से चाहिए, राइट से चाहिए या फुल चाहिए, अगर आपने ऑल बॉर्डर देना है तो ये जितने भी आपके पास पैराग्राफ है वो सारे बॉर्डर में एडजस्ट हो जाए, देख ले ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब कंट्रोल ए करें जाके इसको आपने कोई भी कलर आपने भी देख ले, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, ये सिर्फ एक ही बॉर्डर आ जाएगा, एक ही बॉर्डर में सब टेक्स ऐड हो जाएगा। फ्रंट व्यू देखे, देख ले ये इस तरह का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, अभी मुझे ये पता नहीं कि इसमें कितने इंटरव्यूज हो रहे हैं, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितने इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो आपने इसको क्लिक करना है, सेलेक्ट कर कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और आपने इसको क्लिक करना है, तो ये एंटर का साइन है, अभी आपको ये बता रहे हैं कि कितने एंटर आपने इसमें ऐड किए हुए। अभी इसके लिए इससे पहले ये हमारे कमांड है असेंडिंग सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब क्या है, आप इस पर क्लिक करें, ये कहाँ यूज़ करेंगे, अभी इसको मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ और मैं इधर लिख रहा हूँ जवाद, मैं लिख रहा हूँ के एस एच आई एफ काशिफ सोहेदुल्ला, और इसके बाद आपने आली लिखना है, आली के बाद बी आई एल एल बिलाल लिखना है, इस तरह का आपने नाम लिखना है। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसको तरतीब में दे सकता कि पहले ए से स्टार्ट हो रहा है, जो जितने नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आ जाए, बी से सी से इस आ जाए, तो आपने इसको क्लिक करना है, असेंडिंग पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो हमारे पास असेंडिंग में हो गया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सर और कमांड क्या है, और हमारे पास ये टेक्स्ट है, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इस पर ख़ुद प्रैक्टिस करना, अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप फिर ये मुश्किल है, ठीक है। कंप्यूटर के जितने भी स्किल्स हैं वो क्या है, प्रैक्टिस में, आप लोगों ने खुद देखने से कुछ नहीं होता, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इस पर प्रैक्टिस खुद करें, जो मैं करा रहा हूँ तो आपने खुद इस पर प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आपने मुझे फिर व्हाट्सएप में मैसेज करना है कि मुझे ये समझ नहीं है, आपने मुझे इसको दोबारा करना है, तो फिर मैं दोबारा कराऊँगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।